Welcome back, friends. Pratik here from GK Motors Car Accessories, Vashi, Navi Mumbai. We are back with Brezza LXi, base to top complete modification के साथ आया हूँ. ZXi Plus में भी ये चीजें नहीं रहेगी. उस तरीके से कुछ कार बना के आया हूँ. एंड तक जरूर बने रहना. वन ऑफ द बेस्ट मॉडिफाइड Brezza बाय GK Motors Vashi. यस दोस्तों, स्टार्ट करना चाहूंगा फ्रंट लुक ऑफ द कार से. हेडलैम्प के बल्ब हमने अपग्रेड किए हैं, फॉग लैंप्स लगाया है, ग्रिल की गार्निशिंग लगाई है और सोने पे सुहागा. आज तक आपने मेरे जितने वीडियोस देखे थे, मैं एक ही चीज सजेस्ट करता था, जेन्युइन एक्सेसरीज लगाइए. जो बम्पर ट्रिम है, जो स्किड प्लेट्स है, वो लगाइए. बट आज मैं बॉडी मैचिंग कलर डिफ्यूजर्स लगा के आया हूँ. क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था, मुझे थोड़ा बल्की लुक चाहिए है, थोड़ा स्पोर्टी लुक चाहिए है, कुछ इस तरीके से मॉडिफिकेशन करके दिखाइए. बट मैं सिल्वर का कंसेप्ट बिल्कुल यूज नहीं किया हूं. मैंने प्रॉपर बॉडी मैचिंग कलर के डिफ्यूजर्स लगाए ऑफ द वेलकम ब्रांड. एक एक आप खाली फ्रंट लुक मेरा चेकआउट कर सकते हो, किस तरीके से एक व्हाइट हेडलैम्प, व्हाइट फॉग लैम्प, रेड की गार्निशिंग, साथ ही में व्हाइट विद द रेड के कंसेप्ट के साथ एक डिफ्यूजर का लुक आ रहा है. साइड लुक्स ऑफ द कार्स में मैंने रूफ रेल्स लगाई है एमटेक की, प्रॉपर बॉडी स्टिकिंग वाली. डोर वाइजर्स, विंडो क्रोम, डोर क्लैडिंग हमने जेन्युइन लगाए हैं. अलॉय व्हील भी हमने रिप्लेस किए टॉप मॉडल के डायमंड कट वाले. मैं बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप आफ्टर मार्केट अलॉयज के कंसेप्ट में जाइए. ये टॉप मॉडल के जेन्युइन अलॉयज बहुत प्रीमियम लगते हैं, वन ऑफ द बेस्ट. ऐसा लगना नहीं चाहिए कि कार मॉडिफाई की है. साइड लुक्स देख के कोई नहीं बता पाएगा कि हमने बेस मॉडल लेके टॉप मॉडल बनाया, वही कोशिश की गई है. रियर लुक्स ऑफ द कार्स में मैं आपको स्टार्ट करना चाहूंगा विद द डिफ्यूजर्स. यस दोस्तों, विद द बॉडी मैचिंग कलर, फोर एग्जॉस्ट के साथ, 1, 2, 3, 4 एग्जॉस्ट विद द व्हाइट एंड द ब्लैक के साथ, एक चार एग्जॉस्ट के साथ लुक. आप रियर का भी चेकआउट कर सकते हो. बल्कीनेस जो चाहिए आपको अलॉयज और डिफ्यूजर्स लगाने से आएगा. बट अगर आप डिफ्यूजर लगा रहे हो और अलॉय नहीं लगा रहे हो तो आउटपुट नहीं आएगा. इंटीरियर ऑफ द कार से स्टार्ट करना चाहूंगा. साइड डोर रैप, सीट कवर, स्टाइलिंग किट और एक एम्बियंट लाइट सिस्टम के साथ एक 10 सेकेंड आप खाली इंटीरियर एडमायर कीजिए. हर वीडियो में बोलता हूं खुद पे खर्चा, स्टार्टिंग विद द साइड डोर रैप्स. यस दोस्तों, आइस ग्रे विद द ब्लैक स्टिच के साथ डोर रैपिंग की हुई है. ऊपर का कंसेप्ट हमने प्लेन रखा हुआ, कोई बर्फी का हमने डिजाइन वगैरह नहीं दिया है. इंटीरियर में सीट कवर से स्टार्ट करना चाहूंगा. 5 years वारंटी विद द अल्ट्रा कंफर्ट सीट कवर्स ऑफ द कस्टमाइज ब्रांड. एक एक बकेट फिटिंग आप हमारी चेकआउट कर सकते हो. जेन्युइन आर्मरेस्ट लगाया हुआ है हमने इस कार में, उसके ऊपर भी रैपिंग की है. थंडरिंग किट लगाई हुई है जो ब्लू विद द आइस ग्रे के साथ विद द सिल्वर जैसे एक ZXi में आता है, वही कंसेप्ट में किया हुआ है. डैशबोर्ड की एम्बिएंट लाइट हमारे तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री रहती है, एक एक्टिव एम्बिएंट लाइट का आप लुक चेकआउट कर सकते हो. जेन्युइन स्टीयरिंग भी हमने लगाया हुआ है, उसका भी आपको लुक दिखाना चाहूंगा किस तरीके से है. टॉप मॉडल का जो स्टीयरिंग लगाया हुआ है ब्लैक विद द सिल्वर के साथ, इसके साथ आपका सिल्वर हाईलाइट करता है. जो स्टाइलिंग किट का सिल्वर आता है और जो एक इसका सिल्वर है, प्रॉपरली आपकी कार में मैच हो रहा है. वंस अगेन ऑफर बताना चाहूंगा, जो भी बेस टू टॉप पूरा करते हैं, 4,000 रुपए में जेन्युइन स्टीयरिंग विद इंस्टॉलेशन, 3,000 रुपए में जेन्युइन आर्मरेस्ट विद इंस्टॉलेशन और जेन्युइन हेडरेस्ट भी हमने इस कार में लगाया. 1,000 रुपीज दो हेडरेस्ट की एमआरपी आती है. नो लेबर चार्ज, नथिंग, इंस्टॉलेशन हमारे तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है. एक एक रियर लुक की आप फिटमेंट चेकआउट कर सकते हो. रियर की डोर रैपिंग्स की भी मैं आपको फिटमेंट दिखाना चाहूंगा किस तरीके से हमने प्रॉपरली की है. वंस अगेन कहना चाहूंगा, पहला प्रायोरिटी आपका रियर हेडरेस्ट होना चाहिए, दूसरा प्रायोरिटी आपका आर्मरेस्ट होना चाहिए, थर्ड प्रायोरिटी स्टीयरिंग. अगर ये तीन चीजें लेते हो, 4,000 का स्टीयरिंग, 3,000 रुपए का आर्मरेस्ट, 1,000 रुपए का हेडरेस्ट, टोटल 8,000 रुपए आपका खर्चा होता है. और साथ ही में अगर अलॉयज लेते हो वो आपकी फोर्थ प्रायोरिटी रहनी चाहिए. बेस टू टॉप के कंसेप्ट में 10,000 एक की एमआरपी आती है, 8,500 रुपए में आपको पर पीस अलॉयज मिलता है. म्यूजिक सिस्टम हमने जो इस कार में लगाया है, वंस अगेन ब्लॉपॉन्ग सर्टिफाइड एप्पल कारप्ले ऑटो सेंटा रोजा 985. एक ही खासियत है, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 साल की ईमेल रजिस्टर्ड वारंटी आती है. सेकेंडली सर्टिफाइड एप्पल कारप्ले ऑटो आता है, 4GB रैम, 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ. आप कोई भी कोने में रहते हो इंडिया के, आपको ब्लॉपॉन्ग हर जगह मिलेगा. आप कोई भी ब्रांड का प्लेयर ले आइए, इसके टक्कर का आज तक कोई प्लेयर नहीं बना है. Blaupunkt is one of the best Android players till date. Yes, dosto, 464 Santa Rosa 985 with the high-end output ke saath. Saathi mein humne is car mein jo components lagaye hai, focal ke auditor ASE 165 humne lagaye, two-way component kit aati hai with two tweeters ke saath, ek crossover ke saath,
प्रॉपरली हमने लगाए हुए इंस्टॉल किए हुए, साथ ही में फोकल के कोएक्सियल रियर में इंस्टॉल किए हैं और डैम्पिंग की हुई है इनर आउटर बोथ मॉरेल की 2.1 mm की। आपको उसका भी पहले एक आउटपुट बताना चाहूंगा। Penta Rosa 985 10.1 इंच हमने इस कार में लगाया है। इसकी एक और एक खासियत है TPMS जो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आता है वो इनबिल्ट आता है। फ्रंट कैमरा का जो इंटरफेस है वो इनबिल्ट आता है। आप कोई भी अलग प्लेयर का अलग ब्रांड का एंड्रॉयड प्लेयर अगर खरीदते हो, आपको फ्रंट कैमरा अगर ऑन करना है तो आपको इंटरफेस अलग से खरीदना पड़ता है। सो नो नीड ऑफ दिस, उसमें इनबिल्ट पहले से आता है। एंड्रॉयड ऑटो जैसे कि आप देख सकते हो लाइसेंस्ड है, सर्टिफाइड है, 2 साल की ऑफिशियल ईमेल रजिस्टर्ड वारंटी के साथ है। जो कंपोनेंट का ट्विटर्स है वो हमने स्पेसिफिकली कैप्स में बैठाए हुए, आप चेकआउट कर सकते हो। और जो रिवर्स कैमरा है उसका एक क्लैरिटी क्वालिटी आप चेकआउट कर सकते हो AHD 180 डिग्री वाइड एंगल के साथ विद द डायनेमिक गाइडलाइंस के साथ। जैसे कि आप चेक कर सकते हो बैक फ्रंट लेफ्ट राइट ये 360 कंपैटिबल है। अगर आपको 360 डिग्री कैमरा लगाना है आप वो भी इस कार में इंस्टॉल कर सकते हो क्योंकि ये प्लेयर 360 डिग्री कंपैटिबल है। हेडलैम्प का बल्ब जो हमने इस कार में लगाया है 220 वॉट्स बाय गो मैकेनिक। एक आप ऑफ मोड चेकआउट कर सकते हो, कोई लाइट ऑन नहीं है। दिस इज द डिपर मोड एंड दिस इज द अपर मोड, डिपर अपर टर्न ऑफ टर्न ऑन। एक फोकस क्लैरिटी आप चेकआउट कर सकते हो। आप जेन्युइन फॉग लैंप लगाओ, आफ्टर मार्केट फॉग लैंप लगाओ, सिर्फ इतना ही रोशनी देता है। तो अपनी हेडलैम्प अपग्रेड कीजिए, टॉप मॉडल की हेडलैम्प मत लगाइए, उसमें फोकस वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ DRLs का लुक है। इसके लिए बेस मॉडल में आप बल्ब अपग्रेड कीजिए। ओनर ऑफ द कार भी हमारे साथ है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर का थैंक यू करना चाहूंगा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी। पुणे से आना वर्थ था नहीं था, काम कैसा लगा, प्राइजेस कैसे थे, और जैसे हम हर वीडियो में बताते हैं वो सेटिस्फेक्शन और वो क्वालिटी फिटमेंट मिला नहीं मिला, प्लीज व्यूअर्स को बताइए। सबसे पहले तो मैं प्रतीक सर का धन्यवाद करूंगा कि वो नहीं क्या हम इधर वासे आए पुणे से तो बहुत थके हुए थे, उन्होंने कार का जोड़ो हमारे खाने पीने का इतना ख्याल रखा, मैं उससे बहुत इम्प्रेस हो गया। और कार का तो क्या, वो तो वासी की सबसे अच्छी कार डेकोरेटर मेरे ख्याल से, जो कुछ लगाना है कुछ नहीं लगाने का वो उनको जो पिछले वीडियो में उन्होंने बताया था वो सचमुच ही ना वो बताते हैं कि कस्टमर का बजट कैसा रखने का, उसको खुश कैसे करने का, उनको ना बहुत अच्छा ये मैं उसे कंफ्यूज हो गया। अच्छा हो गया, थैंक यू करना चाहूँगा सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया अदा हूँ। आपको कैसा लगा कार की पूर्ण एक्सेसरीज लावून झालेली आहे। ज्यावेळेस आपण नवीन कार घेतो त्यावेळेस प्रश्न पडतो की आपली एक्सेसरीज कुठली लावावी, आणि नवीन कार असल्यामुळे आपल्या एक्सेसरीजबद्दल माहीत नसतं, त्याच्या प्राईसबद्दल माहीत नसतं। तर सरांनी आम्हाला त्याबद्दल पूर्ण ज्या व्हरायटी आहेत त्या पूर्ण वेगवेगळ्या दाखवल्या, त्याच्या प्राईस सांगितलं, त्यामुळे कुठली एक्सेसरीज निवडायची याच्याबद्दल डिसिजन घेणं सोपं झालं। बजेटनुसार आपल्याला आणि आपल्याला ज्या फॅसिलिटी हवे त्यानुसार त्यांनी प्राईस ॲडजस्ट करून दिले आणि पूर्ण एक्सेसरीज आणि गाडी आता एकदम टॉप मॉडेल सारखी करून दिली। धन्यवाद, थैंक यू करना चाहूंगा सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा हूँ। आप क्या बोलना चाहेंगे सर व्यूअर्स को प्लीज बताइए। आम्ही या सकाळी या ठिकाणी आलो त्यांनी आम्हाला सर्व प्रकारच्या किमती वगैरे व्यवस्थित आम्हाला हे करून या ठिकाणी दिवसभर नाश्त्याची जेवणाची सर्व उत्तम सोय केली, त्याबद्दल त्यांचं धन्यवाद मानतो। आणि आमच्या या इतर नातेवाईक जर कुणाकडे असेल तर आम्ही या ठिकाणी पाठवून देऊ, एवढंच बोलतो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया अदा। आशा करता हूँ आगे जाके और नवी गाड़ी लेंगे तो आप जरूर हमारे पास आएंगे। बहुत खुश हो, थैंक यू वेरी मच। यही सेटिस्फेक्शन, यही काम कमाई है। बाकी देखो गाड़ी हर कोई बना रहा है, कमा हर कोई रहा है। एट लास्ट आप खुश होकर जाने चाहिए, एट लास्ट ये होना चाहिए मेरा डिसीजन सही था। मैं 5 साल जब भी आप गाड़ी में बैठो ऐसा लगना चाहिए कि ये बंदे ने सही सजेशन दिया और सही क्वालिटी की चीज मेरी गाड़ी में लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा हूँ आप सभी का। सो फ्रेंड्स, मेरी शॉप लोकेटेड है वाशी नवी मुंबई सेक्टर 17 नेक्स्ट टू गोल्डन पंजाब होटल। मेरा वर्कशॉप सानपाड़ा में लोकेटेड है। ये वीडियो ये कंसेप्ट किस तरीके से लगा कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।